नमस्कार, मैं हूं कुसुम जय शर्मा। चलिए बात करते हैं 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की। सुप्रीम कोर्ट आज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाएगा। ईडी की पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को नाटक बताते हुए भाजपा ने सोनिया गांधी से षड्यंत्र की सच्चाई बताने को कहा। देश में कोरोना संक्रमण के बाद अब मंकी पॉक्स के बढ़ते मामले डरा रहे हैं। करीब 75 देशों में फैल चुका मंकी पॉक्स अब भारत में भी पैर पसार रहा है। दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में दिल के मरीजों के लिए जल्द ही कैथ लैब खुलने जा रही है, इससे दिल के मरीजों की हार्ट सर्जरी हो सकेगी। चमोली जिले में आए दिन हो रही बारिश ग्रामीण क्षेत्र में आफत बनकर टूट रही है। जिले में ग्रामीण मोटर मार्ग बंद होने के चलते आए दिन ग्रामीणों को समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। नौ से 15 अगस्त तक चलने वाली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर विधानसभा वार तैयारियों का दौर शुरू हो चुका है। उत्तराखंड में पिछले कुछ दिन में मौसम का मिजाज मिला जुला है। कहीं चटक धूप खिल रही है तो कहीं बादलों के बीच तेज बौछार पड़ रही है। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अतुल कुमार दुबे और ब्लॉक अध्यक्ष महाराजगंज अमित पांडे के नेतृत्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया गया। शिखर धवन की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम तीसरे वनडे के क्लीन स्वीप करने के लिए इरादे से मैदान में उतरेगी। टीम 3 मैचों की सीरीज में पहले ही 2-0 से अजय बढ़त ले चुकी है। पूर्वी कांगो में संयुक्त राष्ट्र मिशन के खिलाफ दो दिनों के प्रदर्शन के दौरान 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि अन्य कई घायल हो गए।